हेलो प्यारे बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्राथमिक स्तर पर मानसिक योग्यता विषय में शब्द संरचना के बारे में जानेंगे। तो आइए शीट क्रमांक 044 के साथ आगे बढ़ते हैं। शब्द संरचना का चौथा प्रकार है वर्णमाला या दिए गए शब्द के चुने हुए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। इस सेक्शन में जो आपको प्रश्न मिलेंगे उसमें आपका वर्णमाला आपको मिलेगा और उसमें कुछ नंबरिंग्स होंगी और उसके अक्षरों को चुनकर आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना होगा। तो आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है वर्णमाला A to Z में 20, 1, 7, 5 स्थान पे जो वर्ण है उनसे एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। हम इसे अब बनाकर देखेंगे कि क्या सार्थक शब्द बनाया जा सकता है और उस जो सार्थक शब्द बनेगा उस शब्द का दूसरा वर्ण आपको ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पे हमने A to Z लिखा है और उसकी नंबरिंग भी की है। तो देखते हैं 20 नंबर पे क्या है। 20 नंबर पे है T, 1 पे है A और 7 पे है G और 5 पे है E। ये चार अक्षर हमें मिले हैं और इस चार अक्षर से हमें एक सार्थक शब्द बनाना है। तो G A T E ये शब्द बन रहा है आपका G A T E और इस सार्थक शब्द का जो दूसरा वर्ण है वह है A। तो इसलिए हमारा उत्तर होगा D A। हमारा जो पांचवा प्रकार है इसमें शब्दों में एकल अक्षर लगाकर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाना। इसमें इस सेक्शन में जो आपको प्रश्न मिलेंगे उस प्रश्न में आपको शब्द दिए होंगे और उन शब्दों में आपको एक एकल अक्षर ऐड करके अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस उदाहरण में आपको जो शब्द ये मिले हैं हैट, बार, बैग, पिन और बाथ और ये चार आपके ऑप्शंस मिले हैं जो एकल वर्ण है। तो इन चारों वर्णों को हम बारी बारी से ट्राई करते हैं कि इसमें ऐड करने पर कौन सा सार्थक शब्द बन पाएगा, किस एकल वर्ण को ऐड करने पे इन पांचों शब्दों का एक अर्थपूर्ण सार्थक शब्द बन पाएगा। तो आइए जैसे ये हैट है, हैट में हमने पहले बी ऐड किया, ये अर्थपूर्ण नहीं है, ये है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। इसी तरीके से BAR, जब हम बी ऐड करते हैं ये अर्थपूर्ण नहीं है, सार्थक नहीं है, ये सार्थक है, यह सार्थक नहीं है और यह भी सार्थक नहीं है। इसके बाद BAT, बैक में भी हम बारी बारी से बी ऐड किए, ये सार्थक शब्द नहीं है, यह है, यह सार्थक शब्द नहीं है और यह भी सार्थक शब्द नहीं है, यह बल्कि एक ब्रांड का नेम है बाटा लेकिन यह सार्थक शब्द नहीं है। यहाँ पे पिन में भी हम ऐड करते हैं जब बी, ये नहीं है सार्थक शब्द, ये है पाइन, यह भी सार्थक शब्द नहीं है और यह भी सार्थक शब्द नहीं है। बात में जब हम यहाँ ऐड करते हैं बी, यह सार्थक शब्द नहीं है, ये है सार्थक शब्द, यह भी नहीं है और यह भी नहीं है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये है एकल वर्ण जो हमारा ई है, जब हम इसे इन पांच शब्दों में ऐड करते हैं तो हमें एक सार्थक शब्द बने हुए मिलते हैं। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बी होगा वही हमारा उत्तर होगा। छठे प्रकार में दिए गए शब्द के अक्षरों से स्वतंत्र रूप में अर्थपूर्ण शब्द बनाना। इस सेक्शन में आपको कुछ शब्द मिल जाएंगे और उन शब्दों में जो वर्ण होंगे उनका सिर्फ एक और एक बार प्रयोग करते हुए आप कितना अधिक से अधिक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, इसके अंतर्गत यही प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आपको शब्द मिला है LESA। अब आपको इससे इसके वर्णों से को सिर्फ एक ही बार यूज करना है और उससे आप कितना शब्द बना सकते हैं, यही आपका उत्तर होता है। तो LESA से हम लोग शब्दों को बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए बनाते हैं SALE। SEAL। ये दो शब्द, ये दो सार्थक शब्द हमारे इस शब्द से बन रहे हैं, तो इसीलिए हमारा उत्तर होगा बी। आशा है आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। यहाँ पे कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए दिए गए हैं, इसे हल करने का प्रयास करें। हम फिर मिलते हैं।